नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग और रिटायर फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक न्यूज चैनल में। सीएचडी लीकर कोटा पर आई बड़ी खुशखबरी सभी जवानों और पूर्व सैनिकों के लिए, 1 अप्रैल 2021 से नया नियम लागू। जी हाँ दोस्तों, अब इतना मिलेगा आपको लीकर कोटा, और इसको लेकर डिपार्टमेंट की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी ज़रूर दबा दें, ताकि फौजी जवानों से रिलेटेड हर छोटी से बड़ी खबर आपको अपने मोबाइल पर हमेशा मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर्मी हेडक्वार्टर क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच की ओर से ये लेटेस्ट लेटर जारी किया गया है, और जितने भी हमारे हेडक्वार्टर्स हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स को भी इसकी कॉपी फॉरवर्ड की गई है। और सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, इश्यू ऑफ फुल लीकर कोटा ऑन प्रोड्यूसिंग स्मार्ट कार्ड फ्रॉम एनी कैंटीन एक्रॉस द कंट्री। जी हाँ दोस्तों, पूरे भारतवर्ष की सीएचडी कैंटीन में स्मार्ट कार्ड देने पर लीकर कोटा देने के संदर्भ में ये लेटेस्ट आदेश क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच की ओर से जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सभी सीएचडी लाभार्थियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। सीएचडी लाभार्थियों के लिए सीएचडी लीकर कोटा कहीं भी पूरे देश में, जी हाँ पूरे देश की किसी भी सीएचडी कैंटीन से आप अपना फुल लीकर कोटा ले सकते हैं। उसी संदर्भ में ये लेटर जारी किया गया है। दोस्तों, डिपार्टमेंट को काफ़ी सारी शिकायतें मिल रही थी कि यूआरसी में अपना स्मार्ट कार्ड देने पर भी उनका फुल लीकर कोटा इशू नहीं किया जा रहा है। अब डिपार्टमेंट की ओर से यह आदेश जारी करके कहा गया है कि कोई भी जवान छुट्टी पर हो या टेम्परेरी ड्यूटी पर हो, वो अपने स्मार्ट कार्ड से देश की किसी भी कैंटीन से अपना फुल लीकर कोटा इशू करवा सकता है, यानी ले सकता है। यदि कोई सीएचडी कैंटीन यूआरसी फुल लीकर कोटा देने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, हमारे डिपेंडेंट हैं, पूर्व सैनिक हैं और जवान हैं, वो अपने स्मार्ट कार्ड के माध्यम से अपना फुल लीकर कोटा देश की किसी भी सीएचडी कैंटीन से ले सकते हैं। सीएचडी कैंटीन या यूआरसी फुल लीकर कोटा देने से इनकार नहीं कर सकती हैं। इस लेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो ये थी एक लेटेस्ट खबर। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।